Assalamualaikum dear candidates, this is Najibullah Kalwar, Inspector Inland Revenue BR. एक सबसे ज़्यादा क्यूरी पूछी जा रही है, रिज़ल्ट जो है आ चुका है. सर पहले जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए ईमेल्स रिसीव हुई, फिर जो RPM ऑपरेटर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, फिर उन्होंने कहा कि सर हमें रिज़ल्ट अभी रिसीव नहीं हुआ, मगर शाम तक उनको भी जो है वो ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो गई. तो यानी अब दोनों पोस्ट जो हैं इनका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और सब कैंडिडेट्स को जो हैं वो ईमेल्स रिसीव हो रही हैं. अब एक और क्यूरी, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं अभी उनको भी रिज़ल्ट रिसीव नहीं हुआ, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है सर ईमेल रिसीव नहीं हुई और हमसे हम जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम स्कोर वालों को भी ईमेल्स जो हैं वो रिसीव हो गई हैं. तो क्या सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रिसीव हो रही हैं? तो ये मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है सबको वो ईमेल्स के थ्रू रिज़ल्ट बता रहे हैं. उसके कितने भी मार्क्स हों ये मैटर नहीं करता, ठीक है. जितने भी मार्क्स हों आपके, आपको ईमेल रिसीव होगी, और अगर आपकी ईमेल में कोई इशू है तो वो एक अलग बात है. इस वजह से हो सकता है कि आपको ईमेल जो है वो रिसीव ना हो, मगर इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने अकाउंट बनाया होगा नेशनल जॉब पोर्टल पर. इस दूसरा रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ईमेल जो है वो रिसीव नहीं भी होती तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 5 दिन बाद वैसे भी लिस्ट जो है वो लग जाएगी, जिसमें वो कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके नाम जो हैं वो आ जाएंगे, तो सारी चीज़ें जो हैं आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. थैंक यू सो मच. और इसके अलावा जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच.